तो ठीक है जनाब, हमने स्टार्ट किया यहाँ से क्या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। एक बार मेरे सामने साथ फिर से, क्योंकि आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में जाए। एक बार फिर से, लैंग्वेज प्रोसेसर कहीं ना कहीं दो होते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर यानी कि लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक असेंबलर एक कंपाइलर। असेंबलर और कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम क्या है, कन्वर्ट करना। पहले हमने असेंबलर लिया, असेंबलर का काम क्या है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट किस में करना, कन्वर्ट किस में करना, मशीन लैंग्वेज में। क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है 01 और कुछ कंप्यूटर समझता नहीं है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज को हमने असेंबलर द्वारा लो लेवल में कन्वर्ट कर लिया, किसके द्वारा, असेंबलर के द्वारा। अब बारी किसकी, अब बारी किसकी, कंप्यूटर समझेगा क्या लो लेवल यानी कि मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमने पहले लो लेवल ले चुके हैं, अब बारी किसकी, हाई लेवल की। तो हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, लिखो डेफिनेशन कंपाइलर इंटरप्रेटर की, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। यह एक सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर इंटरप्रेटर यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका कार्य, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका कार्य हाई लेवल लैंग्वेज को, जिसका कार्य हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में जिसका कार्य हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तन करना होता है, यानी क्या होता है, कन्वर्ट करना होता है। बात क्लियर है। अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी, मशीन और असेंबली लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सब क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल का लैंग्वेज C++, जावा, फोर्टन, कोबाल, जितनी भी सब कैसी है, बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज है। समझ में आ गया, बात क्लियर है। तो ये लैंग्वेज प्रोसेस में आपके दो ही थे जो पूछ लेता है कैसा क्या होता है, ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब अगला देखते हैं कौन सा, अगला देखते हैं आपको, अगला क्या देखते हैं, तो देखते हैं, तो ये मिटा दूं, तो ये मिटा दे रहा हूं, ठीक है। और मगर अगला देखने से पहले आपने एक चीज नहीं पूछी कि सर यहां पे भी कंपाइलर है, यहां पे इंटरप्रेटर है, यहां पे कंपाइलर है, यहां पे इंटरप्रेटर है। तो सर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का दोनों का एक ही काम है, अगर दोनों का एक ही काम है तो नाम अलग अलग क्यों है। अगर दोनों का काम यही है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, दोनों का काम एक ही है, तो हम कंपाइलर यूज़ कर लेते या फिर हम इंटरप्रेटर यूज़ कर लेते, तो हम दोनों के यूज़ कर रहे हैं, जबकि कंपाइलर का काम ही भी वही है जो इंटरप्रेटर कर रहा है और इंटरप्रेटर काम भी वही है जो कंपाइलर कर रहा है। चीज़ समझ में आ रही है। तो इसका जवाब ये है कि आप जब अपने घर से कहीं भी जाते हो तो आपके पास ऑप्शन होते हैं जाने के, या तो आप बस से जाओ, या फिर ट्रेन से जाओ, या फिर बैग से जाओ, है कि नहीं है। और ऐसी ऑप्शन ये है कंपाइलर इंटरप्रेटर कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के ये क्या है, दो ऑप्शन है, ठीक है। अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो आपकी मर्जी है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको कंपाइलर इंटरप्रेटर में, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, मगर आपको ध्यान रखना है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कार्य एक ही है। क्या कार्य है कि आपको अपने घर से कहीं ले जाना, एक ही कार्य है, मगर कहीं ना कहीं ले जाने के तरीके अलग हैं। कोई बस से ले जा रहा है, कोई ट्रेन से ले जा रहा है, कोई बैग से ले जा रहा है, काम एक ही है, घर से आपको कहाँ ना ले जाना, बाजार ले जाना। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर कंप्यूटर में क्या कर रहा है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। काम दोनों का एक ही है, मगर करने का तरीका अलग है जनाब, करने का तरीका अलग है। तो वो तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो मैं तरीका आपको बताता हूँ। कंपाइलर इंटरप्रेटर ठीक है, ऐसा एक बना लेना और बीच में कर देना, लाइन कर देना, ठीक है, देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो पहले हमने देखा कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये क्या सा होता है, फास्ट होता है, क्या होता है, फास्ट यानी कि तेज,
ये क्या होता है? स्लो, यानी कि धीमे, धीमा। अब देखो क्यों, आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, बाकी सब मैं करा दूंगा, ठीक है? बाकी मैं करा दूंगा। तो कंपाइलर क्या है? फास्ट है। इंटरप्रेटर क्या? स्लो है। दोनों का काम ही क्या है? कंपाइलर काम है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये जल्दी कर देगा, फास्ट है। इसका भी काम क्या है? इंटरप्रेटर काम के हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये स्लो करेगा, क्योंकि क्या है? धीमा, धीमा। ठीक है, जैसे कि आपको अपने घर से कहीं जाना है, तो एक आप रिक्शा वाले ले जा रहा है और एक आप कार से जा रहे हो, तो पहले कौन पहुंचाएगा? कार वाले पहुंचाएगा। तो ये क्या है? कार है, तेज चलेगी। ये क्या है? स्लो, धीमा, यानी कि रिक्शा। सिंपल सी बात है। अब आप ध्यान से रखोगे तो आई और सी में, पहले कौन आता है? सी आता है। सी और आई में पहले कौन आता है? अल्फाबेट में ए बी सी डी, पहले कौन आया? सी। पहले कौन आया? सी, ए बी सी डी सी। उसके बाद कौन आएगा? आई। जो पहला है वो क्या होगा? फास्ट होगा, और जो आई बाद में आया वो क्या होगा? स्लो होगा। बस अब फास्ट और स्लो से मैं आपको इसमें डिफरेंस बताऊंगा, सब रहे जितने भी और हैं, ठीक है? सब डिफरेंस बताऊंगा। तो इसके अंदर लिखते हैं, ये क्या करता है? स्कैन होल, स्कैन होल प्रोग्राम एंड कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। स्कैन होल प्रोग्राम एंड कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है? उसके भी लिख देते हैं इंटरप्रेटर का, स्कैन लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एंड कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। देखो इसका मतलब समझते क्या कहना चाह रहा है। अब देखो कंपाइलर क्या है? फास्ट है। कंपाइलर क्या है? फास्ट है। अब कंपाइलर फास्ट क्यों है? तो कंपाइलर स्कैन करता है। स्कैन मतलब, स्कैन सब जानते हैं क्या होता है? स्कैन जानते हैं आप? फोटो स्टेट मशीन कर, फोटो स्टेट कराते हो तो क्या होती है? स्कैन होती है। कोई कागज आपने फोटो स्टेट मशीन में डाला, क्या किया? सेम हुबी की कॉपी उसकी निकालते निकालते तो पूरे प्रोग्राम को ऐसे स्कैन करना, स्कैन करना, ठीक है? जैसे कि आप बाहर जाते हो शादियों में, स्कैन करते हो नहीं करते हो, वही स्कैन है। बस कंप्यूटर ने पूरा प्रोग्राम क्या किया? देखा। कंप्यूटर ने पूरा प्रोग्राम क्या देखा? स्कैन। क्या देखा? होल। होल का मतलब क्या होता है? पूरा, पूरा, पूरा। होल का मतलब क्या होता है? पूरा, पूरा स्कैन कर रहा है, पूरा स्कैन कर रहा है। क्या स्कैन कर रहा है? पूरा प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम स्कैन कर रहा है, और उसको कन्वर्ट करना है। उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब आपके सामने कोई खड़ा हुआ है, अब आपने उसे पूरा स्कैन किया, तुरंत ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। आपने कहीं ना कहीं अपने मन में, अपने दिमाग में तस्वीर बसा ली, बसाई कि नहीं बसाई? वही ये कर रहा है कि स्कैन पूरा प्रोग्राम एंड कन्वर्ट इनटू किस में? मशीन लैंग्वेज में। तो कन्वर्ट, देखो आपने स्कैन किया और अपने दिमाग में बसा लिया, तो पूरा प्रोग्राम आपने स्कैन किया ऊपर से नीचे तक, किया कि नहीं किया? और तुरंत ही अपने दिमाग में बसा लिया कि हाँ, बसा लिया कि हाँ ये ऐसा है, बसा लिया। तो ये कार्य आपने, तेज किया है, बहुत ही गति से किया है, तुरंत ही, ताकि कोई देख ना ले, ठीक है? कर लिया। अब चलो स्लो की बात करते हैं। तो जब आप स्लो करोगे तो स्कैन, स्कैन मतलब क्या करना? देखना, लाइन बाय लाइन, प्रोग्राम। अब आप किसी को स्कैन कर रहे हो, एक तो आपने तुरंत ऊपर से नीचे पूरा होल एक ही बार में स्कैन कर लिया, एक सेकंड में आपने पूरा स्कैन कर लिया। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप कहीं ना कहीं, सिंपल सी बात है, अब आप कहीं ना कहीं उसे, आप किसी सामने वाले इंसान को धीरे धीरे स्कैन करो, यानी कि ऊपर स्कैन किया, फिर नीचे 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 नीचे, फिर आपने धीरे धीरे स्कैन किया, यानी कि लाइन बाय लाइन। तो आपको इसमें समय ज्यादा लगेगा ही लगेगा, आपको वैसा लगेगा। तो आप क्या कर रहे हो इसमें? लाइन बाय लाइन कर रहे हो, लाइन बाय लाइन कर रहे हो। तो एक प्रोग्राम आप मान लेते हैं हम, एक प्रोग्राम ये एक प्रोग्राम है, इसे आपने कहीं ना कहीं यहां से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पूरा स्कैन कर लिया एक ही बार में, पूरा स्कैन कर लिया एक ही बार में। और यहां क्या कर रहे हो? यहां क्या कर रहे हो?
कि इसको लाइन बाइन कर रहा, पहले ये लाइन फिर 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 ये लाइन, ठीक है कर रहे हो। तो होता क्या है, काम तो दोनों का एक ही है मगर ये क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन कर रहा है। अब बताओ लाइन बाय लाइन स्कैन करने में कहने के टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि प्रोसेस कैसा, स्लो, यानी कि धीमा है कि नहीं है, धीमा है, क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन हो रहा है। आप ऊपर से नीचे एक एक क्या ऊपर से नीचे क्या कर रहे हो, देख रहे हो लाइन बाय लाइन करके, तो कहने के टाइम तो लगेगा यार, क्योंकि ये क्या है, फिर स्लो हो गया कि नहीं हो गया, स्लो हुआ कि नहीं हुआ, या ये स्लो है, स्लो क्यों, क्योंकि लाइन बाय लाइन कर रहा है। एक ही बात है, स्लो क्यों है, क्योंकि लाइन बाय लाइन स्कैन कर रहा है, और लाइन बाय लाइन स्कैन क्यों कर रहा है, क्योंकि स्लो है, बात एक ही है। ये फास्ट क्यों है, क्योंकि पूरा प्रोग्राम स्कैन कर रहा है, और पूरा प्रोग्राम स्कैन एक ही बार में कर रहा है इसलिए तेज है। दोनों बात क्लियर है, ठीक है, पूरा प्रोग्राम एक ही बार में स्कैन कर रहा है इसलिए क्या है, तेज है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखते हैं इसके अंदर डीबगिंग इज स्लो और डीबगिंग इज फास्ट। सबसे पहले डीबगिंग क्या होता है, डीबगिंग क्या होता है, तो डीबगिंग होता है, ध्यान से देखना, डीबगिंग होता है एरर मिलना और उसे सही करना। डीबगिंग जनाब क्या होता है, डीबगिंग होता है एरर मिलना, एरर यानी कि कोई कहने के क्या मिलना, एरर सब जानते हैं क्या होता है, अब ये भी मैं पूछो एरर क्या होता है, ठीक है, एरर मिलना और उसे सही करना डीबगिंग कहलाता है। तो ये बताओ कि एरर आपको कब मिलेगा, किसी को आपने ऊपर से नीचे तुरंत स्कैन किया या किसी को आपने ऊपर से नीचे धीरे 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 स्कैन कर रहे हुए। तो हर कोई जानता है जब आप ऊपर से नीचे धीरे धीरे लाइन बाय लाइन स्कैन करोगे तो एरर मिलने के चांस क्या है, ज्यादा है, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन कर रहे हो, खट 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 लाइन बाय लाइन, तो एरर मिलने के चांस क्या है, ज्यादा है। तो डीबगिंग एरर मिलना और उसे सही करना, जब आपको ज्यादा एरर मिलेंगे तो कहने के सही करोगे नहीं करोगे, तो क्या हो गया, डीबगिंग फास्ट हुई कि नहीं। और डीबगिंग होती क्या है, एरर मिलेगा और उसे सही करना क्या कहलाती है, डीबगिंग। अब आप लाइन बाय लाइन कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 2 में एरर मिला सही हो गया तो डीबगिंग हुई, 3 4 4 में एरर मिला डीबगिंग हुई सही कर दिया, 5 5 में एरर मिला डीबगिंग सही हो कर लिया क्योंकि 5 में क्या है लाइन है, फिर 6 एरर मिला सही कर लिया, 7 एरर मिला सही कर लिया, क्योंकि डीबगिंग क्या होगी इसके अंदर फास्ट होगी क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन कर रहे हो, इसमें स्लो क्यों होगी, इसमें पहले से तुरंत स्कैन करके 10वें पे, पहले से स्कैन करके 10वें पे, हो सकता है कि बीच में कोई एरर छूट जाए क्योंकि आप बहुत जल्दी कर रहे हो, ऊपर से लेकर तुरंत नीचे देख रहे हो सकता है बीच में कोई एरर छूट जाए, इसीलिए इसके अंदर डीबगिंग क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि आपने होल प्रोग्राम एक बार स्कैन किया है, हो सकता है स्कैन करने के बाद फिर से करोगे क्योंकि लाइन बाय लाइन तो हो नहीं रहा है, हो सकता है आपने एक से सीधे कहाँ स्कैन करके नीचे तुरंत 10 पे आ गए, बीच में शायद कोई एरर छूट जाए, तो डीबगिंग क्या है इसकी, स्लो। डीबगिंग का मतलब है एरर मिलना और उसे सही करना, बात क्लियर है। अब अगला देखते हैं, ठीक है, अब टाइम की बात करते हैं, टाइम की। अब मेरे जनाब बताओ टाइम किसमें, इसमें ज्यादा लगेगा कम लगेगा, स्कैन होल प्रोग्राम आप तुरंत ऊपर से नीचे तुरंत क्या कर ले रहे हो, स्कैन कर ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि आपने ऊपर से देखा और नीचे तक देखा, वो भी क्या एक बार में, तो क्या होगा इसके अंदर टाइम क्या होगा, कम लगेगा, और आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या कर रहे हो लाइन बाय लाइन, तो क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, सिंपल टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसका एग्जाम्पल है C, C++, C, C++,
और इसका एग्जाम्पल है जावा बेसिक। तो देखो अगर आपको C++ लैंग्वेज में आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, C या C++ लैंग्वेज में आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, तो वो एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, तो कंपाइलर उसे हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि ये कैसी हाई लेवल लैंग्वेज। तो आप कहोगे सर कि हमने इसे इंटरप्रेटर से क्यों नहीं किया, इसे हमने कंपाइलर से क्यों किया? तो इसका आंसर ये है कि शुरू में सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज आई थी हाई लेवल में? C और C++। तो कहीं ना कहीं हमें इतना ज्ञान नहीं था कि हम लाइन बाय लाइन करें, क्योंकि स्टार्टिंग का फेस था। तो क्या करते थे हम, ऊपर से लेकर तुरंत नीचे तक क्या कर लेते, स्कैन, क्योंकि शुरू में क्या होती है, जल्द कोई भी काम करने की जल्दबाजी होती है। तो C और C++ सबसे पहले लैंग्वेज आई जो हमने क्या किया, ऊपर से नीचे तुरंत स्कैन करना स्टार्ट कर दिया। मगर हुआ क्या कि बाद में हमें इसके अंदर एरर मिलने लग गए, क्योंकि हम ऊपर से नीचे एकदम स्कैन कर रहे हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं एरर हो सकते हैं, क्योंकि बीच में जो एरर हैं हो सकता है कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि आप ऊपर से नीचे तक कर रहे हो सकता है कुछ एरर देखें आपको कुछ ना देखें। अगर आप किसी इंसान का स्कैन कर रहे हो तो ऊपर से नीचे तक करोगे तो हो सकता है कुछ एरर देख पाओ कुछ ना देख पाओ। मगर अगर इंटरप्रेटर फिर क्या आया, बाद में आया, तो ये क्या करता है लाइन बाय लाइन, ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन, तो इस इंटरप्रेटर से एरर बच नहीं सकता, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन करता है, जिस कॉपी की लाइन होती है वैसे एक एक लाइन को देख रहा है। तो जब ये बाद में आया तो फिर C++ के बाद कौन सी लैंग्वेज आई, जावा बेसिक फोर्ट्रान ये सब आई, तो उनको कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है। बाहर काम एक ही है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। तो देखो ये एक पेज है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, तो ये लाइन बाय लाइन कर रहा है, तो क्या होगा, स्लो होगा, लाइन बाय लाइन कर रहा है, और इसमें एरर मिलने की संभावना ज़्यादा है। कैसे, यहाँ भी एरर मिल सकता है, 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 चारों लाइन में एरर मिल सकता है। तो डीबगिंग क्या है, फास्ट है, डीबगिंग क्या है, फास्ट है। और कहने का ये टाइम क्या लेगा, टाइम कहने का ज़्यादा लेगा, क्योंकि क्या है, लाइन बाय लाइन कर रहे हो, टाइम तो ज़्यादा लेगा क्योंकि लाइन बाय लाइन कर रहे हो, ठीक है, लाइन बाय लाइन कर रहे हो, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, टाइम ज़्यादा लेगा, जावा बेसिक सिंपल सी बात, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। अगला देखो, अगला एंड डालो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या डालोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। Mm-hmm.